चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नवनीत अग्रवाल पावरमाइंड इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेंगे, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, शुरुआत हम आसान क्वेश्चनों से करेंगे। आज मेरे पास 10 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, आज उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, साथ साथ ही मैं उनका बेसिक भी आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इफ़ ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर। अब देखो, हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमको दिया है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, और हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इन हाउ मैनी डेज दे कम्प्लीट डू इट टुगेदर। देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें पर्टिकुलर एक दे रखा है, एक इसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझना, काम हमारा सेम है, इक्वल है, समान है, और हमसे पूछा गया है यदि दोनों उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। आप खुद सोचो, यदि ए उस काम को 40 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 60 दिन में अकेले कर रहा है, तो दोनों मिलकर सिंपल बात है 40 से तो कम में ही करेंगे, सिंपल है। अब इसको हमको किस तरह से सॉल्व करना है कि हम दोनों का मिलकर डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका एक पैटर्न होता है, उसको हम फॉलो करेंगे और उस पर बेस हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो हमारा जो पैटर्न है, जो फिक्स पैटर्न है, वो क्या है, आप लोगों को समझना है। सबसे पहले हमें ए के डेज और बी के डेज जो हमें दे रखे हैं, उनका हमें एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे एलसीएम को हम एक नया नाम देंगे और वो होगा आपका टोटल वर्क। अब आपको ए और बी के डेज का निकालना है क्या, एलसीएम, और एलसीएम को हमने नया नाम क्या दिया, टोटल वर्क, कुल कार्य। देखो, तो क्या 40 और 60 का एलसीएम 120 आएगा क्या? देखो, इतना हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत एलसीएम निकालना आपको आता है, तो 40 और 60 का एलसीएम क्या 120 आएगा क्या? एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, इनकी सेपरेट एफिशिएंसी निकालनी होती है, क्षमता निकालनी होती है, हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, यानी क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो आप लोग इस बात को समझो, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है कि एफिशिएंसी यानी इनकी क्षमता इनटू डेज यानी इनके दिन इजिकल टू होता है टोटल वर्क। क्या बताया आप लोगों को मैंने कि एफिशिएंसी इनटू डेज इजिकल टू होता है टोटल वर्क। आपको क्या करेगा, एफिशिएंसी दे देगा, टोटल वर्क दे देगा, डेज पूछेगा, या फिर डेज दे देगा, टोटल वर्क दे देगा, एफिशिएंसी पूछेगा, या फिर एफिशिएंसी दे देगा, डेज दे देगा, तो हम टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको ए और बी के डेज पता है और इनका टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क हमारा एलसीएम होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, इनकी क्षमता निकालनी है, जिसको आप क्षमता, कार्य दक्षता, कैपेसिटी कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो, एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एक ही एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, मैंने बताया ना, एफिशिएंसी ऑफ ए बराबर क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन डेज ए के। तो देखो क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क है हमारा 120 और बात करते हैं डेज की, तो डेज कितने हैं 40, तो एफिशिएंसी निकल के क्या 3 आ जाएगी क्या, एक ही एफिशिएंसी निकल के कितनी आ गई 3, और उसको हम यहाँ रख देंगे। इसी तरह हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी की जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन बी के डेज। तो देखो, टोटल वर्क अपॉन बी के डेज, तो देखो टोटल वर्क हमारा 120 है। अच्छा, बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो देखो बी अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर रहा है, तो डिवाइड कर देंगे 60 का और एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 2। एफिशिएंसी को आप हमेशा ऐसे याद रखोगे, ये हमारा वन डे वर्क होता है, एक दिन का कार्य होता है। एफिशिएंसी क्या होती है, हमारा वन डे वर्क, एक दिन का काम। हम ये भी बोल सकते हैं हमको टोटल 120 पेड़ लगाने हैं, कितने पेड़ लगाने हैं, 120, और ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है।
हमें टोटल 120 पेड़ लगाने हैं, ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो देखो हम ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी क्या 5 आ जाएगी क्या? तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो टाइम टेकन ए प्लस बी, ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय, तो देखो ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय हमें देखेंगे टोटल वर्क कितना है हमारा 120। टोटल वर्क हमारा है 120 और हमें ए प्लस बी मिलकर काम करवाना है तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, तो डिवाइड कर देंगे 5 का, निकल के आ जाएगा 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24 डेज। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 24 डेज में करेंगे। ये इस क्वेश्चन को करने की स्मार्ट अप्रोच है जो आजकल आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। हमें क्या दिया गया था, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, हमें दिया गया था ए किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है, बी सेम काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है और हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ए के डेज और बी के डेज का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम, और एलसीएम को हम नया नाम बोलते हैं, वो होता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल के आया हमारा 120। अब इसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2। टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। तो हम ये बोल सकते हैं ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि टोटल हमको 120 पेड़ लगाने हैं, तो ए प्लस बी मिलकर 120 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे? यदि वो एक दिन में 5 लगाते हैं तो 120 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 24 डेज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू इट इन 12 डेज, इफ ए बी एंड सी कैन डू इट इन 4 डेज टुगेदर देन हाउ मच डेज सी कैन डू इट अलोन। तो हमें सी कितने दिन में करेगा अकेले, वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सबसे पहले पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, हम फिक्स पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हमारा एक फिक्स फॉर्मेट है उसमें हम संख्याओं को फिट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है ए बी और सी, हमें दे रखा है ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो हमें दिया गया है ए उस वर्क को 8 दिन में क्या कर रहा है, 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी के लिए तो हमसे पूछा गया है और हमें ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड का दे रखा है, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 डेज में इस काम को फिनिश करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। अब आप लोगों को बता रखा है मैंने क्या करना है, हमें दे रखा है ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो हमें इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है। तो 8 12 4 का एलसीएम क्या 24 होगा क्या, तो इनका एलसीएम होगा 24। एलसीएम निकालने के बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एफिशिएंसी इनटू डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क, यानी आपकी जो दक्षता है और आपका जो समय है बराबर आपके किसके होता है, कुल कार्य के होता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं आप एक दिन में 3 पेड़ लगाते हो और ऐसा काम आप 6 दिन तक करते हो तो आपका टोटल वर्क निकल के आ गया 18, तो आपने टोटल 18 पेड़ लगाए। अब देखो हम इनकी सेपरेट एफिशिएंसी निकालेंगे, तो सेपरेट एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने बताया था डेज हमको मालूम है, टोटल वर्क हमको मालूम है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन क्या कर देंगे, डेज। तो देखो 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। और 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। अब आप लोग देख पा रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 6 के, जबकि a बराबर 3 के, b बराबर 2 के, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या c बराबर 1 के होगा। फिर देखो हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 पेड़ लगाते हैं,
हमसे ये बोला गया ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 पेड़ लगाते हैं। तो सिंपल है, सी 1 पेड़ लगाता है। अब हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई, हमें टोटल वर्क पता है, तो क्या हम सी के डेज नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो आप लोग, तो सी के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क हमारा है 24, सी की एफिशिएंसी है 1, तो आंसर निकल के आ जाएगा 24 डेज। तो सी के लिए हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 24 डेज। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 24। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तथा बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। हमसे पूछा गया ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, एंड सी एंड ए डू द सेम वर्क इन 45 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी कैन डू दिस वर्क टुगेदर। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें सबसे पहले बोला गया ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने डेज में फिनिश कर रहे हैं, हमें दिया गया है 30 डेज, तो हमने 30 डेज लिख लिया। फिर हमसे बोला गया बी तथा सी मिलकर कितने डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो बी प्लस सी मिलकर कितने डेज में फिनिश कर रहे हैं, 36 डेज में। फिर हमसे क्या बोला गया तथा सी तथा ए मिलकर 45 डेज में, तो सी प्लस ए मिलकर इस काम को 45 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। देखो इससे पहले के क्वेश्चनों में हमें सेपरेट दे रखा था कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है। अब की और हमें सेपरेट नहीं दिया, अब की और हमें कंबाइंड में दिया है। जैसे ए का बी के साथ दे रखा है, यदि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में करते हैं, बी और सी करते हैं तो 36 डेज में करते हैं, और सी और ए करते हैं तो 45 डेज में वो सेम काम को कंप्लीट करते हैं। और हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो देखो हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स का सबसे पहले जो कि हमारे पास डेज है इनका हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कुल कार्य क्या होता है, एलसीएम होता है, और एलसीएम विल भी कितना होगा, 30, 36 और 45 का एलसीएम क्या 360 होगा, क्या कितना होगा एलसीएम, 360 होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इनकी सेपरेट एफिशिएंसी निकालते हैं। सेपरेट एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखो सबसे पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या 12 आ जाएगी क्या, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या 10 आ जाएगी क्या, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या देखो क्या 8 आ जाएगी क्या। कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, और एफिशिएंसी होता है 1 डे वर्क। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जो आपकी क्षमता होती है वो होता है आपका एक दिन का कार्य, कि आपने एक दिन के अंतर्गत कितना कार्य किया। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। आप देखोगे आपके पास 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, और 2 टाइम्स क्या है, सी। तो ऐड करने पर क्या हम 2 कॉमन ले लें क्या, और ए प्लस बी प्लस सी लिख दें क्या, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, हमने 2 कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी रह गया। इधर आप ऐड करोगे तो 12 और 8 20 और 10 30 हो गया, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, देखो 2a, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 दे रखा है, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 15 टाइम्स 15 बार ही कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के कितना आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के कितना आ गया, 15 आ गया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 पेड़ लगा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 पेड़ लगा रहे हैं, और यहाँ पे बोला गया है a प्लस बी मिलकर 12 पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब c कितने पेड़ लगा रहा है वो आप आसानी से निकाल लोगे। तो c कितने पेड़ लगा रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 12 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तभी तो ये 15 होगा, तो c कितना लगाएगा, 3। c 3 लगा रहा है तो देखो हम b भी निकाल लेंगे और a भी निकाल लेंगे, कैसे, हमें पता है c की वैल्यू कितनी है, 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7।
बी की वैल्यू कितनी है 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बोलो आएगी नहीं आएगी। हमने तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल ली ए बी सी की, और सी की आई 3, बी की आई 7, ए की आई कितनी 5। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो हमसे पूछा तो गया था ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, और ए बी सी की एफिशिएंसी हमने यहीं पे निकाल ली थी 15, तो हमें कुछ नहीं करना था, 316 में 15 का डिवाइड करना था। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, या फिर बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, या फिर सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हमें ईच की एफिशिएंसी पता है, तो हम तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टोटल वर्क हमारा है 360, और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15। हम क्या करेंगे 15 का डिवाइड कर देंगे, 15 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, देखो इसमें इसका डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा 60, 24। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 24 डेज। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें ये दिया गया है ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में करते हैं उसी काम को, बी प्लस सी 36 दिन में, सी प्लस ए 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। हमें इंडिविजुअल नहीं दे रखा, हमें कंबाइंड में दे रखा है। काम हमको वही करना है, इनका टोटल वर्क निकालना है, वो निकल के आ गया 360। टोटल वर्क निकलने के तुरंत बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है, वो हमने निकाल ली। उसके बाद हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर इधर एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, इधर हमारे पास ए टू टाइम्स है, बी टू टाइम्स है, और सी टू टाइम्स है, इनको ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 आ गई। टोटल वर्क 360 है, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा लिया गया समय निकालना है, 360 में 15 का भाग कर देंगे, निकल के कितना आ जाएगा 24 डेज। तो 24 डेज हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आसान क्वेश्चन है आपके पास सारे, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम एंड वर्क के आपके जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, और हमारा जो लेवल होगा वो इजी टू टफ होगा। पहले हम इजी क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस बना रहे, उसके बाद मॉडरेट लेवल के, और लास्ट में एक सेशन ऐसा भी होगा जो हम टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे। टफ क्वेश्चन से मतलब जिनकी लैंग्वेज बड़ी है या फिर जिनमें आपको ज़्यादा समय कंज्यूम होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला गया है हमसे, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी रोज केवल आधा दिन कार्य करे। अंडरलाइन करने वाली बात है, यदि बी रोज केवल आधा दिन कार्य करे तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन डू दिस इन 20 डेज, एंड बी वर्क हाफ ए डे, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कम्प्लीट दिस वर्क। तो देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और हमें दे रखा है ए अकेला उसे 20 दिन में कंप्लीट करता है। फॉर्मेट बना लेते हैं, ए बी ए प्लस बी। क्या बोला गया हमें, सेपरेट किसका दे रखा है, ए का दे रखा है। ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश करता है, और हमें ये भी बोला गया, सॉरी, ए किसी काम को 20 दिन में फिनिश करता है, और ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं, 12 दिन में करते हैं। देखो अब की बार एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई कर दी, अब की बार हमसे ये बोल दिया गया कि बी रोज केवल आधा दिन काम करता है, यानी हाफ डे काम करता है, फुल डे काम नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकल के कितना आ जाएगा, क्या 60 निकल के आ जाएगा क्या, तो इनका टोटल वर्क 60 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 में 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह आप ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, 60 में आप 12 का डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब आपको पता चल रहा है ए प्लस बी कितना है, 5, ए की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, नहीं होगी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब बी हमें दे रखा है कि बी की एफिशिएंसी 2 है। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए मैंने अभी बताया था एफिशिएंसी क्या होती है, 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे,
तो बी रोज आधा दिन काम कर रहा है, आधा दिन काम कर रहा है तो क्या है इसका मतलब, एक दिन में दो पेड़ लगा रहा है तो इसका मतलब आधा दिन में कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा नहीं लगाएगा। तो हमसे बोला गया कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, यदि बी आधा दिन काम करे तो देखो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन बोला गया है बी आधा दिन काम करता है, सबसे पहले हमारे पास टोटल और कितना है 60, ए एक दिन में तीन पेड़ लगाता है तो ए के लिए तो कुछ बात ही नहीं बोली, तो इसका मतलब ए तो फुल डे वर्क कर रहा है। बी के लिए क्या बोला गया, बी एक दिन में दो पेड़ लगाता है तो एक दिन में कितना पेड़, एक दिन में दो पेड़ लगाता है तो मुझे आप लोग ये बताओ आधे दिन में कितना काम करेगा, सिंपल बात, एक पेड़ लगाएगा तो आधे दिन में एक पेड़ लगाएगा हाफ डे में, तो 60/4 = क्या होगा 15, तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 15 डेज। मैं रिपीट कर देता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा, टोटल वर्क 60 निकल के आ गया, तो हम सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, हमने ए की और ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल ली। अब आप लोग देख पा रहे हो कि ए बराबर है 3 के और ए प्लस बी बराबर है 5 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा बी बराबर कितना है 2 के। लेकिन अब उसने ये नहीं बोला कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये तो उसने बोला है लेकिन उसमें एक कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन क्या है कि कंडीशन वो ये है कि बी हाफ डे वर्क करता है, बी आधा दिन काम करता है फिर चले जाता है। अब बी पूरा दिन काम करे तो दो पेड़ लगा देगा, पर बी हमारा आधा दिन काम करता है तो इसका मतलब क्या है, वो एक पेड़ लगाएगा। तो देखो दोनों मिलकर तो एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं, लेकिन बी ए फुल डे वर्क करता है तो ए तो 3 पेड़ लगाएगा, और बी हाफ डे करता है तो बी एक पेड़ लगाएगा, तो टोटल पेड़ कितने हो गए 4। तो 60 में आप 4 का डिवाइड करोगे, ठीक है, 60 में 4 का डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 डेज।